हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सांगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रपोजिशन को, और ये प्रपोजिशन जो चैप्टर है वो मैं 3 वीडियोस में बनाने वाला हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंथी और कंफ्यूजिंग चैप्टर है। राइट, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर प्रपोजिशन। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है गाइस प्रपोजिशन। मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है प्रपोजिशन, और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। राइट, IBPS के जो सीरीज चल रही है इसमें मैंने कंजंक्शन आपको कराया है, पैराजंबलिंग हो गई है, ओके। जिन लोगों ने वीडियोज नहीं देखी है वो सारे वीडियोज को एक बार देख लीजिए। तो चलिए भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं प्रपोजिशन को। लिसन, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन जनरली एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है टू शो इट्स रिलेशन। क्या बताने के लिए? उसका रिलेशन बताने के लिए विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। इस बात को फोकस करेंगे, यानी सेंटेंस के अदर वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम प्रपोजिशन का होता है ऑब्जेक्ट से। अब एक बात समझिएगा, किसी भी सेंटेंस का जो फ्रेम है, हाउ वी मेक इट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तरीका होता है। तो गाइज, ऑब्जेक्ट को रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस से जो भी वर्ड यहां कनेक्ट कराएगा उसे हम बोल देते हैं प्रपोजिशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जस्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले आने वाला वर्ड प्रपोजिशन है। सेकेंड, हम ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट आफ्टर प्रपोजिशन, अगर प्रपोजिशन मिल रहा है तो उसके बाद 100% ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, या तो बनेगा नाउन और या बनेगा प्रोनाउन, इन दोनों में से कोई एक बन जाएगा। ओके, चलिए तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो गाइज, ऑन द टेबल, द टेबल क्या है? नाउन है। बुक की पोजीशन कहां पर है? ऑन द टेबल। तो समझिएगा ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन बताएं तो भी प्रपोजिशन है। क्या बताएं? पोजीशन। तो बुक कहां पर है? ऑन द टेबल। आप एक बात और समझिए, नाउन है, नाउन से जस्ट पहले आने वाला वर्ड क्या होगा? प्रपोजिशन होगा। द पेन इज इन द इंक पॉट। जो पेन है वो कहां पर है? इंक पॉट के अंदर। इंक पॉट क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या बनेगा? प्रपोजिशन। गॉट इट? नेक्स्ट आइए, आई विल मीट यू, ओके, एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या है? नाउन, तो एट प्रपोजिशन। इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? नाउन, तो इन प्रपोजिशन। ओके, आउटसाइड द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी क्या है? नाउन, तो आउटसाइड क्या बना? प्रपोजिशन। ऑन द दिल्ली कॉलेज कैंपस, तो दिल्ली कॉलेज कैंपस ये क्या है? नाउन। जब ये नाउन है तो ऑन बना प्रपोजिशन। बात समझ रहे हैं? तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी प्रपोजिशन हो सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला जो वर्ड होता है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? एंड जस्ट आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज आइदर नाउन और प्रोनाउन, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है आपको। राइट गाइज, अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जनरली प्रपोजिशंस आर, प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से प्रपोजिशंस होते हैं। तो सुनिएगा, जैसे एट, बाय, इन, थ्रो, अलोंग, अक्रॉस, ओवर, अबव, ब्लो, अबाउट, ये जितने भी लिखे हैं, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, विदाउट, बिहाइंड, ड्यूरिंग, ऑन अकाउंट ऑफ, टू, विद, विदिन, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, फ्रॉम, अंडर, बेनेथ, ओके, अंडरनेथ, फॉर, सिंस, अमिड, अमिड्स, ऑन, ऑन टू, अपॉन, इनटू, डेस्पाइट, इनस्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अलोंग विद, बट, एक्सेप्ट, बियॉन्ड, ये सारे फ्रेंड्स प्रपोजिशन हैं। और आपको ये पता होना चाहिए दो एंगल पे, या तो इनका एक तो बेसिक पता होना चाहिए कि इनको बेसिक आप कैसे यूज करते हैं, और फिर आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड प्रपोजिशन। इन बैंकिंग एग्जाम्स,
मोस्ट प्रोबली आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फिक्स प्रपोजिशन से, कि कौन से प्रपोजिशन ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ में फिक्स्ड यूज होते हैं, राइट। तो फिक्स्ड प्रपोजिशन को हम लोगों को आईबीपीएस के लिए तैयार करना है, राइट गाइस। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सुनिएगा। ही इज एट होम, वो कहाँ पर है? घर पर है, तो एट प्रपोजिशन है। द ट्री वॉज कट डाउन बाय मी यानी कि बाय प्रपोजिशन है। He has passed through many troubles. तो many troubles क्या बनेगा? Noun बनेगा, तो through बन गया preposition. The sun shines over the earth. Okay, earth के ऊपर shine करता है sun. तो over क्या बना? Preposition. The road is under repair. Repair क्या है? Noun है. तो under क्या बना? Preposition. A sword is hanging above his head. उसके head के ऊपर. Okay. Next, his hut is beyond those hills. ये जो हिल्स हैं इसके बियॉन्ड है उस तरफ। वी विल गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो ड्यूरिंग क्या बनेगा? प्रपोजिशन। लेट अस टॉक विद चेयरमैन कंसर्निंग दिस मैटर, तो दिस मैटर क्या है फ्रेंड्स? ये नाउन है, तो कंसर्निंग इज आल्सो अ प्रपोजिशन, ये वर्ब नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर इज एम आर के बाद, ध्यान देना, इज एम आर के जस्ट बाद अगर वर्ब में आई एन जी लग रहा होता तो हम उस केस में बोलते वर्ब, राइट। ये ऑब्जेक्ट से, नाउन से पहले है तो इसे बोलेंगे हम प्रपोजिशन, गॉट इट। तो प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं ये बात क्लियर हुई, प्रपोजिशन का काम क्या है ये बात क्लियर हो गई, राइट। कहां पे मिलता है? ऑब्जेक्ट से पहले मिलता है। आई होप यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। आइए नेक्स्ट, अब देख लेते हैं यूसेस ऑफ प्रपोजिशन को, कि भाई प्रपोजिशन के क्या क्या यूसेज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला यूज है यूज ऑफ एट। एट का यूज हम कहां करते हैं? नंबर वन, फॉर स्मॉल प्लेसेस, ओके, छोटे प्लेसेस के लिए, या फिर टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, प्राइस, रेट, स्पीड, इन सबको बताने के लिए। टेम्परेरी एक्शन, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन गाइज जो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, उसको भी हम एट से बताते हैं। या फिर एज और स्टेज, एज एंड स्टेज को बताने का भी काम किसका है? एट का होता है। तो सुनिएगा एग्जांपल, ही लिव्स एट मुखर्जी नगर, तो मुखर्जी नगर दिल्ली के कंपैरिजन में क्या है? स्मॉल है, ओके। अगर बिग प्लेस होगा तो हम बोलते इन दिल्ली, इन दिल्ली, और एट मुखर्जी नगर। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, टाइम हो गया, ओके। मिल्क सेल्स एट ₹50 अ लीटर, तो सुनिएगा, अ लीटर की अगर बात हो रही है तो यहां पे फोकस करिए, ये क्या बता रहा है? प्राइस को बता रहा है, रेट को बता रहा है, तो ये प्राइस और रेट को बताने के लिए भी हम क्या लगाते हैं एट। दूसरी बात, प्राइस और रेट के लिए आप फॉर भी लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आई परचेस्ड दिस पेन, ओके, फॉर ₹20, या आप ऐसे बोल सकते हो एट ₹20। तो प्राइस रेट बताने के लिए हम फॉर भी लगा सकते हैं और अपने पास एट भी है, दोनों ऑप्शन है। द बाइक इज रनिंग एट 80 km/h, ध्यान देना 80, ये क्या बता रहा है? स्पीड बता रहा है, तो स्पीड के लिए हम क्या लगाते हैं? एट। नेक्स्ट सुनिएगा, एज या स्टेज की बात करें, जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60, तो जो एट वर्ड है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका एज को, तो एज को भी हम किससे बताते हैं? एट से, क्लियर है। तो एट इतनी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके बाद अदर यूसेज की बात की जाए, तो अदर यूसेज में फिक्स्ड कहां पे लगता है? जैसे एट द टाइम ऑफ नाइट, किसी पर्टिकुलर नाइट के टाइम को बताने के लिए, जैसे मिडनाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डॉन, At dusk, at twilight. तो यहां पे एक बात समझिएगा, जैसे किसी भी डे को आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, तो पार्ट्स ऑफ डेज में हम लोग क्या लगाते हैं? एट, ओके। पार्ट्स ऑफ डे में क्या लगाया जाता है? एट लगाया जाता है जनरली। आइए नेक्स्ट सुनो, जैसे बोल दिया जाए होम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एट द टॉप, ओके, या फिर लेक्चर,
या बोलेंगे पेज नंबर या अकाउंट फ्रेंड्स या एयरपोर्ट स्टेशन, इन सब में फ्रेंड्स हम लगाते हैं एट होम, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द टॉप, एट लेक्चर, एट पेज नंबर 20, एट अ कॉन्फ्रेंस, एट द एयरपोर्ट, एट द स्टेशन, इन सब में फिक्स्ड है एट लगाया जाता है। नेक्स्ट अप, जैसे शाउट एट, लुक एट, ग्रम्बल एट, किक एट, स्कूल, ओके इसको कट कर देना, एम एट, लाफ एट, ओके स्माइल एट, ग्रोल एट, बाइट एट। अब इसके अलावा और देखिए, जैसे वॉन्डर एट, राइट, लाफ हो गया, सॉरी स्माइल भी हो गया, लाफ भी हो गया। नेक्स्ट एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब होता चौंकना, एस्टोनिश एट। नेक्स्ट गेज एट, गेज एट। नेक्स्ट अमेज एट, अमेज एट। नेक्स्ट सरप्राइज एट, सरप्राइज एट। इसके अलावा देखो गुड एट, गुड एट, या हम बोल देते हैं बैड एट, बैड एट। इन सब में हम क्या लगाते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट। देखो ये हमें क्या करना पड़ता है, ये इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको बार 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 चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें रहती है। जो न्यूज पेपर रीडर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ फिक्स्ड हो रहा है, क्योंकि उन्हें हैबिट होती है। और जो लोग न्यूज पेपर रीड नहीं करते उन्हें पता नहीं चल पाता कि यहाँ पे क्या करेक्ट है। तो आपको रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट गाइस। तो इन सब में ये आपको तैयार करने हैं, इन सब में हम क्या लगाएंगे, हमेशा प्रेपोजिशन एट लगेगा, कोई दूसरा वर्ड आप नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट पर, अब देख लेते हैं प्रेपोजिशन के यूसेस में, यूज ऑफ इन। इनका यूज हम सबसे पहले करते हैं दोस्तों बिग प्लेसेस के लिए, किसके लिए? बिग प्लेस। सेकंड, परमानेंट एक्शन, टेम्परेरी एक्शन के लिए यूज होता है एट। जैसे आपने सुना होगा लिखा रहता है मैन एट वर्क, तो ये टेम्परेरी एक्शन है, जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा उस दिन वो लोग उस प्लेस को छोड़ देंगे, ओके। और आपने कहा कि आई एम इन इंडियन आर्मी, तो ये टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ये परमानेंट एक्शन है, राइट। तो आप बात समझिए, एट कब लगाते हैं? जब आप कुछ टाइम के लिए हैं, जैसे आपने बोला कि आई एम एट द स्टेडियम, आई एम एट द स्टेडियम, तो स्टेडियम को आप छोड़ने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो उसे बोलेंगे हम एट। और अगर आप उसके सराउंडिंग की बात कर रहे हैं कि आप स्टेडियम के अंदर हैं, तो आप बोलेंगे आई एम इन द स्टेडियम। दोनों बातें करेक्ट हो सकती हैं, इन बी और एट बी, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे एज हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, सेंचुरी, सीजन, इन सब में हम इन लगाते हैं, ओके क्या लगाते हैं? इन। सुनो, वी लिव इन एशिया, बिग प्लेस, इंडिया इज इन एशिया, बिग प्लेस, हिज ब्रदर इज इन इंडिया आर्मी, परमानेंट एक्टिविटी, ही इज इन द नेवी, परमानेंट एक्टिविटी, इन अ वीक, ओके इन दिस ईयर, इन जैन, इन विंटर, इन 1999, यानी कोई भी एज, कोई भी ईयर आप बता रहे हैं। और एज ये वाला एज नहीं है, एज मतलब जिस एज, जिस नेम से पूरी एज मानी जाती है, जैसे इन द विक्टोरियन एज, इन द एज ऑफ एलिजाबेथन, इन गांधियन एज, इस तरह से, इन मिल्टन्स एज, इन शेक्सपियरियन एज, इन सब में, इन द विक्टोरियन एज, इन द 18th century, ये सारी चीजें क्या है, इन सब में हमें इन लगाना है। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके मैंने यहां लिखा है, इन आपको लगाना है किसी फोर व्हीलर या उससे ज्यादा, मतलब कोई भी ऐसा व्हीकल, ये फोर व्हीलर मैंने नोट कर दिया है, चाहे वो 6 व्हीलर्स हो, 8 व्हीलर्स हो, 12 व्हीलर्स, कुछ भी हो, जिस चीज के आप अंदर बैठते हैं उसमें हमें इन लगाना है, जिसके आप अंदर बैठ रहे हैं उसमें हमें क्या लगाना है, इन लगाना है। लेकिन किस केस में? उससे पहले आर्टिकल होना चाहिए या पोजेसिव होना चाहिए। पोजेसिव जानते होगे आप, हिज, हर, माई और देयर, और या फिर होगा आर्टिकल ए एन द। सुनिएगा, जैसे इन माई कार, माई पोजेसिव है, इन माई कार, इन द बस, द आ गया, इन द टैक्सी, इन द जीप, तो इन सब में हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, अगर आपको कोई भी व्हीकल मिल रहा है और उससे पहले आर्टिकल और पोजेसिव नहीं है गाइज, तो फिर बाय लगाते हैं। ध्यान देना, फिर क्या यूज होता है?
पाए, फिर आप इन नहीं लगा सकते क्वेश्चन को। देखो जैसे आपने बोला कि आई गो टू माय ऑफिस, आई गो टू माय ऑफिस बाय ओके कार, बाय कार, तो ध्यान देना कार आ गया। अब इससे पहले या तो इन लगेगा या लगेगा बाय। बाय कब लगेगा? जब कोई आर्टिकल और पजेसिव नहीं है। यहां पे अगर माय लगा दिया जाए तो आंसर क्या बनेगा? बाय माय कार नहीं होगा, इन माय कार होगा और बाय कार होगा। गॉट इट? अब टू व्हीलर है ओके, जिसके आप ऊपर बैठ रहे हैं, अगर ऊपर बैठ रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाओगे? या तो लगाओगे ऑन या लगाओगे बाय। ऑन द स्कूटर ओके, ऑन द स्कूटर, द आ गया तो ऑन लगा देना है, या फिर बोलेंगे बाय स्कूटर। आर्टिकल मिला तो लगाना है उसमें ऑन, जहां टू व्हीलर्स की बात हो रही है, और जिसके अंदर बैठ रहे हैं उसमें बोलेंगे इन। आई होप ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी ओके। नेक्स्ट चाहिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों इनटू, यूज ऑफ इनटू देख लेते हैं। यूज ऑफ इनटू क्या बताता है? मोशन, सबसे पहले इनटू का यूज क्या करते हैं? मोशन इनसाइड एनीथिंग, जब आप किसी चीज के अंदर मोशन करके जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आई वेंट इनटू हर रूम, मैं उसके रूम में गया। तो जब आप किसी के रूम में एंटर करोगे ओके, जाओगे तो मोशन करोगे। जब मोशन करते हैं तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? इनटू, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि किसी प्लेस में आप एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल ओके, एक सराउंडिंग एरिया में जा रहा है वो, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे? मोशन करके जाएगा तो लगा दिया आपने इनटू, पहला केस। सेकेंड केस आपके माइंड में ये होना चाहिए, फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम और स्टेज टू अनदर, जब एक मीडियम या स्टेज से किसी दूसरे मीडियम या स्टेज में चेंज हो जाता है, जैसे वाटर से चेंज कर दिया जाए आइस में, आइस से चेंज कर दिया जाए किसी और मीडियम में, राइट? ऐसे तो जब मीडियम चेंज करते हैं हम, उस केस में भी हमें क्या लगाना है? इनटू। जैसे वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ है? आइस में, तो इस केस में हमें लगाना पड़ेगा इनटू। तीसरी बात, हम लगाते हैं इनटू कब लगाते हैं? जब फ्रेजेस की बात होती है, जैसे ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? एंटर फोर्सफुली। डू इनटू मतलब होता है ट्रांसलेट। ईट इनटू मींस होता है डिस्ट्रॉय करना। लुक इनटू ओके, किसी मैटर को देखना, इन्वेस्टिगेट करना। टर्न इनटू मतलब चेंज होना। तो इस तरह की चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भाई, कि आपको फ्रेजेस में भी इनटू लगाना पड़ेगा। जैसे सुनेगा, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, इंक्वायर्ड इनटू द केस ओके। नेक्स्ट आओ अगले पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स यहां पे देखो, एक पॉइंट आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। जैसे वेंट है, जाने के लिए आपने वेंट इनटू लगा दिया जब आप किसी सराउंडिंग प्लेस में या कहीं भी जा रहे थे ओके, नो प्रॉब्लम, करेक्ट है। लेकिन एक वर्ड होता है एंटर, इसके साथ तीन कंडीशन लगती है। सुनो, तीनों कंडीशंस को बहुत अच्छे से सुनना है। कंडीशन नंबर वन, एंटर अगर गोइंग के सेंस में यूज हो रहा है तो इनटू नहीं लगाया जाता, पहला केस ओके। अदर सेंस में यूज हो रहा है, अदर सेंस में यूज हो रहा है तो इस केस में इनटू लगाया जाता है। दोनों बातों को आपको समझना है। एंटर का यूज जाने के सेंस में, आई एंटर्ड, I entered into the theater. मैं थिएटर के अंदर एंटर किया। तो आप ये बताएं कि यहां पे किस केस में यूज हो रहा है? जाने के केस में। जब जाने के केस में यूज हुआ तो इस केस में इनटू नहीं आएगा। नेक्स्ट सुनो, अगर इसी केस को मैं ये बोल दूं, I entered into a new business. मैंने एक नए बिजनेस में एंट्री की, तो अब आप सोच के बताओ क्या ये जाने का केस है? कोई भाई बिजनेस, कोई प्लेस है जिसके अंदर आप घुस जाओगे? ऐसा तो होगा नहीं। जब आप अदर सेंस में एंटर का यूज करते हैं तो इनटू लगाया जाता है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यानी कि आप किसी बिजनेस में एंटर करें, आप किसी के कॉन्वर्सेशन में एंटर करें, कहते ना बातों में एंट्री कर दी,
उन सारे केसेस में N2 लगाया जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि भाई अपेक्स कोर्ट कांट एंटर इनटू रिलीजियस मैटर, ओके समझ रहे, जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटर नहीं कर सकती रिलीजियस मैटर में, आपने बोला। तो ये क्या है, इस केस में आप एंटर के साथ इनटू लगाएंगे, ओके समझ रहे। अगर आप किसी घर में एंटर कर रहे हैं तो इनटू नहीं लगाएंगे, किसी प्लेस में एंटर कर रहे हैं तो इनटू नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? एक और बात, ये जो एंटर वर्ड होता है ना, ये वर्ड क्या होता है, ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसके बाद अगली बात आपके माइंड में ये होना चाहिए, ये एक वर्ब है। अगर हमें मिल जाए एंट्री और एंट्री होता है नाउन, अगर हमें एंट्री वर्ड मिला तो एंट्री वर्ड नाउन है, जब नाउन है तो ये इनटू लेता है। इसी सेंटेंस को जो फर्स्ट इनटू वाला कट किया था, अगर मैं इसे ये बोल दूं कि आई गॉट एंट्री, मुझे एंट्री मिल गई इनटू द सिनेमा, इनटू द सिनेमा, ये केस करेक्ट है। एंट्री वर्ड मिले तो इनटू लगाना है और एंटर वर्ड मिले तो इनटू नहीं लगाना है, एंटर करने के केस में, यानी कि वेंट गो के केस में। चलिए भाई बात नेक्स्ट आइए अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है यूसेस ऑफ, यानी यूज ऑफ ऑन। सबसे पहले ऑन का यूज हम कहां करते हैं, टू टच द सरफेस, जब आप सरफेस को टच कराते हो, राइट, किसी कोई भी चीज जब ऊपर रखी है और सरफेस को टच कर रही है इस तरीके से। जैसे बोला जाए देर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, तो सरफेस को टच करेंगी टेबल को, ओके। ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन, इसको ना हिज करना, ऑन हिज हेड, ओके, उसके सर पे क्या था, सूटकेस था, तो टच करेगा। इज दैट क्लियर? दूसरा रिलेटेड टू, जब कोई भी चीज किसी चीज से रिलेटेड है उसे उसमें लगाते हैं हम टू। जैसे आपने कहा दिस बुक, दिस इज द बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये जो बुक है वो किससे रिलेट है, इंग्लिश ग्रामर से। तो ऑन का यूज हम करते हैं जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से रिलेटेड होती है। नाइस, ओके, नेक्स्ट आओ। विद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ओके, जिनके साथ में हम ऑन लगाते हैं, उनमें सबसे पहले आता है नेम्स ऑफ डेज। कोई भी नेम हो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन द सेम नाइट, ओके, ऑन मंडे इवनिंग, आपको नेम ऑफ डे से पहले, ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड उनसे पहले हम लगाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, देखिए डे, अगर डे से पहले फोकस करेंगे, अगर डे से पहले मिला आपको एवरी, क्या मिला, एवरी, या मिला दिस, या मिला दैट, या मिला दीज, इस तरीके के वर्ड, तो इस केस में हम ऑन का यूज नहीं करते, फिर कोई प्रपोजिशन आप नहीं लगा सकते। क्वेश्चन सुनेंगे, लिसन, शी गोज टू टेम्पल, ओके, ऑन एवरी मंडे, ऑन एवरी मंडे, बस इतना समझ जाना, मंडे मिला, अगर एवरी नहीं होता तो ऑन करेक्ट था, और अगर डे से पहले आपको मिल जाए एवरी दिस दैट दीज, तो इस केस में ऑन को करेंगे कर लोगे। नेक्स्ट आओ अगले पॉइंट पर, लिसन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन का यूज, ये बात हो चुकी थी कि ऑन आर्टिकल पोजेसिव एडजेक्टिव साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल, इनसे पहले क्या लगाना है, ऑन लगाना है, ये डिस्कशन हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसके अपार्ट फ्रॉम, जब आप किसी एनिमल की बैक पर बैठते हो, उसके ऊपर बैठते हो, तो उस केस में भी आपको ऑन लगाना है। जैसे ऑन हॉर्सेस बैक, ओके, ऑन अ हॉर्स, ऑन अ कैमल, ऑन एन एलिफेंट, ऑन एन एलिफेंट्स बैक, ऑन अ बफेलो, ऐसे। लेकिन एक वर्ड होता है ऑन फुट, यानी कि पैदल चलना, ये फ्रेज है, ऑन फुट लगाया जाता है, बाय फुट नहीं, ओके। ही वॉक्स ऑन फुट, ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, कर लोगे। इसके अपार्ट फ्रॉम कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन लगाना है, ऑन द बैक ऑफ द पेपर, ओके, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द लिस्ट, इन सब में ऑन लगाना है। अच्छा, इसके अपार्ट फ्रॉम टेलीविजन, जैसे आपने बोला ऑन टेलीविजन,
ऑन टेलीविजन, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, कोई भी चीज आपने सुनी है, ओके, ऑन स्ट्राइक लीव, ऑन फायर, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस टूर, है ना, और ऑन ऑन अ टूर, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ वॉल, ऑन सेल, ओके, इन सब में जैसे ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ये सब ऐसे फ्रेजेज हैं, ऑन लोन, ओके, ये सारे फ्रेजेज हैं जिनमें हम ऑन का यूज करते हैं, राइट फ्रेंड्स? आई होप फ्रेंड्स प्रपोजिशन आप लोगों को समझ आ गया होगा. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में प्रपोजिशन का पार्ट 2. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.